नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की एक बैठक का किया गया आयोजन। इकतीसवीं राष्ट्रीय सीनियर कोर्फबॉल प्रतियोगिता 4 दिवसीय मध्य प्रदेश राज्य के LHTC विश्वविद्यालय रायसेरी भोपाल में खेली गई। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को हराकर प्रतियोगिता को किया अपने नाम। सुजानपुर टिहरा के साथ लगते गांव चमियाना में सरकारी रास्ते को रोकने पर ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर लगाया आरोप। दिन प्रतिदिन बड़ी गाड़ियों का निकलना हो रहा है मुश्किल। श्रावण मास के पहले दिन ज्वालाजी में स्थित सभी शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का लग रहा तांता।